अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दो प्याज़ा। तो देखिए, हमारे पास ये आधा किलो गोश है, हमने इसे अच्छे से वॉश कर रख दिए। और आधा किलो गोश है तो आधा किलो गोश में आधा किलो ही प्याज जाएंगी। तो देखिए, हमारे पास ये आधा किलो प्याज है, हमने इसे देखिए बारीक बारीक ऐसा पतला कट कर लिए। तो हम सबसे पहले कुकर ले लेंगे। देखिए, हमने कुकर ले लिया है, ये कुकर में सारी प्याज डाल देंगे। देखिए, हमने इन सारे प्याज कुकर में डाल दिए और ये हमने प्याज को भी कट करे बाद अच्छे से वॉश कर लिए थे। और अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। देखिए, हमने गोश्त भी डाल दिए और अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। 2 टीस्पून हम अदरक लहसुन डालेंगे। इसमें हम अपने हिसाब से नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। देखिए, हमारे पास 2 हरी इलायची है, हमने इसे टिचा लिए। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है साबित, हम वो डाल देंगे। हम ये गरम मसाला साबित डालेंगे तो गोश और प्याज भी अच्छे से खुशबू हो जाएंगी। और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि प्याज का और गोश का पानी, ये गोश का पानी और प्याज का ही बहुत हो जाता है, इसी में ये गोश गल जाता है। और अब हम इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे। देखिए, हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम चेक करेंगे। देखिए, अच्छे से गोश्त गल चुका है और अब हम इसे एक साइड में रखेंगे और हम बघार की तरफ चलेंगे। देखिए, हमारे पास ये एक कैरी है, हम ये कैरी को छीन लेंगे और इसके बारीक बारीक टुकड़े करेंगे और यही हम ये सालन में डालेंगे। और ये कैरी डालने से ही ये सालन बनता है, तो कैरी से ही ये सालन का टेस्ट आता है। देखिए, हमने कैरी को छील लिए और ये एक आधा किलो गोश्त और आधा किलो प्याज में एक कैरी काफ़ी हो जाती है, बहुत अच्छा खट्टा हो जाता है उसमें। और अगर आपको खट्टा कम लगता है तो कैरी को आप अपने हिसाब से कम कर लें। और अब हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। देखिए, इस तरीके से इसे करना है। देखिए, हमने सारी कैरी कट कर दिए और अब हम बघार में ये डाल देंगे। हमने एक कढ़ाई लिए और कढ़ाई में हमने अपने हिसाब से तेल डाल दिए, और इस सालन में तेल ज़्यादा ही जाता है। और ये हमने 150 ग्राम तेल डाले इसमें, और 2 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे। हम ये मिर्ची को भून लेंगे और हम ये कैरी भी डाल देंगे। देखिए, मिर्ची अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। हमने देखिए सारा गोश्त डाल दिए और अब हम इसकी 15 मिनट तक के इसकी हम अच्छी भुनाई कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। देखिए, इसमें की कैरी भी अच्छे से गल चुकी है। कैरी गलने तक के हमें इसे भूनना है, तो कैरी की पूरी खटास मसालों में मिक्स हो जाती है और ये सालन बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। हम ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाला डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और आप इसको जितना अच्छे तरीके से भुनेंगे ये इतना अच्छा बनेगा सालन। और अब हम इसमें कोथमीर कतर कर डाल देंगे। देखिए, 1 मुट्ठी कोथमीर लेना है, डाल देंगे। तो कोथमीर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे। हमें इसमें नमक कम लग रहा तो हम इसमें नमक डालेंगे, बहुत ज़रा से ही डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं। और इसे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, 2 प्याज़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे।
देखिए दो प्याज़ा बनकर रेडी हो चुका है। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।